एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था, बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली, सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहां कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था, उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही न करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों में देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिएगा। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। कहानी का तात्पर्य, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा। अक्सर लोग मुसीबतों में सोचते हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुसीबतों की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। तब एक बार ऊपर आसमान की ओर देखना और सोचना कि तुम अकेले नहीं हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके बताइएगा जरूर, और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।